केंद्र सरकार के आम बजट को आम आदमी पार्टी ने निराशाजनक बताया है। आम आदमी पार्टी के गढ़वाल मीडिया प्रभारी व प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र सिंह आनंद ने एक बयान जारी कर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सदन में पेश किए गए बजट पर निराशा व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ये देश किसानों का है और आज भी लगभग 75% लोग गाँव में निवास करते हैं। भारतवर्ष विश्व में किसान देश के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि जो बजट पेश किया गया उसमें किसानों की अनदेखी की गई। इसके साथ ही उन्होंने इस बजट में युवाओं और गृहणियों के लिए कुछ भी न होने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आज का भारत युवा भारत है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर युवा है, लेकिन फिर भी युवाओं की अनदेखी की गई है, जो कि निंदनीय है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। गया है आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा। देखिए, इसमें हमारे हिसाब कहना है कि यह बजट निराशाजनक है, क्योंकि इसमें कहीं भी किसानों को लेकर के कुछ नहीं दिया गया। जब हम भारतवर्ष की बात करते हैं तो किसानों की बात होती है, क्योंकि ये किसानों का देश है, लेकिन इसमें कहीं भी किसानों को कोई भी राहत नहीं दी गई, किसानों के लिए कोई चर्चा नहीं की गई। ये बहुत निराशाजनक है।